Hello, good morning kids. Today we are going to learn B in cursive letters. मतलब के त्रीजी एबीसीडी नो B. तो सबसे पहले आपले स्लेट अने पेन में लखशू B for ball. Ball मतलब जे दड़ो हो A. B for bat. Bat मतलब जे आपड़े बेट बॉल रमीए ते. पछी B for basket. बास्केट मतलब के प्रेने छाबली पण गुजराती में कही सके अथवा बास्केट पण कही सके. हवे आपणे बी फॉर बॉल, बी फॉर बेट, एम साथे आपणे फोनिक साउंड्स पण बोलता जशुं. बी फॉर बॉल एम बी फॉर बेट, ब ब ब ब ब ब, बी फॉर बेट, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बेल, ब ब ब ब ब ब. बी फॉर बीना, बीना मतलब ई. अहीं आपणे છોકરીનું નામ બીના લીધું છે, બી આઈ એન એ, બીના. હવેથી આપણે હોમવર્ક છે ઇંગ્લિશની ફેરબુકમાં કરવાનું છે. એટલે આપણે ઇંગ્લિશની ફેરબુક લીધી છે અને એનામાં કર્સિવ લેટર બી લખવાનો છે, મતલબ કે ત્રીજી એબીસીડીનો બી. तो बी लखवानी साथे साथे अपने फोनिक्स पण बोलता जशुं. बी फॉर बॉल एम बी फॉर बेट, ब ब ब ब ब ब, बी फॉर बास्केट, बी फॉर बेल, ब ब ब ब ब ब. पछी बी फॉर बीना, बीना मतलब कोई छोकरीनो नाम अथवा गर्ल कही सकीए आपणे. B for beaner, B for binti, b b b b b b. B for ball and B for bat, b b b b b b. B for basket, B for bell, b b b b b b. આ રીતે આપણે કર્સિવ નો B લખવાનો છે. एकदम मस्त अक्षर है.